हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंदु, योर मैथ्स टीचर. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एट योर होम्स एंड यू आर प्रैक्टिसिंग योर मैथ्स एक्सरसाइजेस. सो एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर 9 फॉर टर्म 2 सिलेबस एंड वी हैव कंप्लीटेड टू एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर, एक्सरसाइज 9.1 एंड एक्सरसाइज 9.2. सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 9.3. And as you can see, I have already signed in into my class application and I am going to just select my chapter, which is chapter 9. So in exercise 9.1 and 9.2, you learned about what is decimal, how we read decimal, how we write decimal, what are the parts of decimal and the decimal table, and you did exercise 9.2 and you matched the words form of any decimal number and numeral form of decimal numbers. So now today we are going to understand conversion of fractions. So what is conversion of fraction? Conversion of fractions means how can you convert a fraction into decimal and a decimal into fraction. So this is a very 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 important topic of this chapter and this will be helpful for your future classes also. So before starting this chapter, I just want to know कि क्या आपको decimal बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है. अगर आपको decimal अच्छे से समझ नहीं आया होगा, you won't be able to understand conversion of fractions or decimals. It will be very 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 difficult for you all. So अगर आपके fractions का part बेटा clear नहीं हुआ है, तो आप जो पहले वाली एक्सरसाइजेज हैं उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए और उसके बाद आप एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट कीजिए. सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल. अब देखो, फ्रैक्शन आपका प्रीवियस चैप्टर था, अब फ्रैक्शन और डेसिमल आपको दोनों आने चाहिए, ठीक है. सो क्या दिया हुआ, फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर्स ऑफ 10,000 आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस. अब आपके पास अगर कोई भी फ्रैक्शंस गिवन है और उनका डिनोमिनेटर 10,000 और 1,000 है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका कोई भी फ्रैक्शन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, किसी भी फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट, ठीक है. सो न्यूमरेटर पार्ट क्या होता है और डिनोमिनेटर पार्ट क्या होता है? डिनोमिनेटर पार्ट वो होता है जिसमें आपके किसी भी होल को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ हो, और न्यूमरेटर होता है द नंबर ऑफ पार्ट्स विच आर इन कंसिडरेशन. तो ऐसे में जब आपको कोई भी फ्रैक्शन गिवन है और उसका डिनोमिनेटर 10,000 है या इससे आगे भी कोई भी 10,000, 1 लाख या कुछ भी, तो ऐसे जो फ्रैक्शंस होंगे उनको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस. आपको क्या याद रखना है, अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाती है कि मान लीजिए, एक सेकंड बेटा मेरे को ये इरेज करने दीजिए, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ जाता है, आपके जो एग्जाम्स है उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि अगर आपके गिवन फ्रैक्शन में आपके डिनोमिनेटर्स 10,000 या 1,000 हैं या ऐसा कुछ है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को आप क्या कहते हैं? कोई ये तो आप क्या लिखेंगे उसको? डेसिमल फ्रैक्शंस. आपको बेटा ये डेफिनेशंस भी अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे. क्या बोलते हैं हम उनको? डेसिमल फ्रैक्शंस.
जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स 10, 100 या 1000 होते हैं वो हमारे डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं. सो डेसिमल्स आर कॉल्ड स्पेशल फ्रैक्शंस. और डेसिमल्स क्या कहलाते हैं हमारे? स्पेशल फ्रैक्शंस. ठीक है, अब देखिए आपको एग्जांपल्स गिवन है. राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज डेसिमल. आपको एग्जांपल्स गिवन है 6, 2 by 10. ये आपका कौन सा फ्रैक्शन है पहले आप मुझे ये बताओ. आपने लास्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सीखे हैं ना, तो ये कौन से टाइप का फ्रैक्शन है? प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, मिक्स्ड है, इक्विवेलेंट है, लाइक है, अनलाइक है, कौन सा है? ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें एक आपका होल हो और बाद का जो नंबर है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शंस. क्या बोलते हैं बेटा? मिक्स्ड फ्रैक्शंस. अब देखिए आपको गिवन है 6 2 by 10. 6 2 by 10 को आपको क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है. अब डेसिमल में आपके दो पार्ट्स होते हैं, यहां पे मैं लिख के बता देती हूँ आपको. डेसिमल के आपके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? यहां पे होल पार्ट होता है पॉइंट के लेफ्ट साइड, ये आपका पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड होल पार्ट, और राइट हैंड साइड डेसिमल पार्ट. ठीक है, तो अब देखिए 6 2 by 10 में, 6 2 by 10 में होल पार्ट क्या है आपका? होल नंबर क्या है यहां पे? होल नंबर क्या है आपका? 6. आप यहां पे लिख देंगे 6, और बाद में क्या गिवन है आपको? 2 by 10. 2 by 10 का मतलब क्या है कि 2 जो है वो आपका कौन से प्लेस पर है? 10th प्लेस पर. तो डेसिमल के जस्ट वाला प्लेस कौन सा होता है? 10th प्लेस होता है. तो हमारा डेसिमल नंबर क्या बनेगा? 6.2. ठीक है, समझ आया बेटा? इसी तरीके से आप देखिए आपको गिवन है बी पार्ट 6 2 by 100. इसी क्वेश्चन को और डिफिकल्ट करके लिखा है. तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है? हमें क्या करना है? पहले लगाना है पॉइंट, पॉइंट के पहले क्या लिखना है? होल पार्ट, जो कि क्या है? 6. उसके बाद हमें सिर्फ ये देखना है 2 by 100 है, दैट मीन्स 2 जो है वो मेरा 100th प्लेस पर है. 2 से पहले कोई नंबर नहीं है, यानी कि 100th प्लेस पे, यहाँ पे 10th और यहाँ पे 100th प्लेस है. अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ तो इस 10th प्लेस पर मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? 0. ठीक है, तो मेरा नंबर क्या होगा? 6.02. इसी तरीके से सी पार्ट देखिए. अब आप सी पार्ट क्या गिवन है आपको? 6 and 20 by 100. 20 by 100 है अब आपको गिवन. तो अब आप क्या करोगे? पॉइंट लगाओगे पहले. पॉइंट के पहले क्या लिखोगे? होल नंबर आपका जो भी है, और उसके बाद आप क्या लिखोगे? 20 आपका कौन से प्लेस पर है? 100th प्लेस पर. तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 10th और 100th. 20 है, मैंने एज इट इज लिख दिया, तो मेरा फ्रैक्शन क्या बना? 6.20. ओके, तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल क्या गिवन है आपका? एग्जांपल नंबर 2. राइट 403 1 by 100 एज डेसिमल. आपको ये वाला नहीं देखना बेटा, आपका जो सॉल्व करके दिया हुआ है एक बार आप उसको मत देखिए. आप देखिए जो मैं आपको लिख के दे रही हूँ वो. अब आपको क्या करना है? सबसे पहले पॉइंट लगाना है. पॉइंट लगा के होल नंबर पहले लिखना है. होल नंबर क्या है? 423. लिख दिया आपने.
उसके बाद क्या गिवन है, 100th, यानी कि 1 जो है आपका 100th प्लेस पर है. 100th प्लेस के लिए हम यहाँ पे 1, 10 और 100 लिख लेते हैं. 100th प्लेस पर है तो यहाँ पे 100th प्लेस पे क्या पुट कर दिया मैंने, 1, और 10th प्लेस पर क्या पुट कर दिया, 0. क्यों? क्योंकि 1 के पहले कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए मुझे 0 पुट करना ही पड़ेगा. तो मेरा डेसिमल क्या निकल कर आया है, 423.01. इसी तरीके से आपको क्वेश्चन 3 दिया हुआ है. ये देखिए, आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, 100 प्लस 40 प्लस 2 प्लस 1/100. अब इनको हम कैसे करेंगे बेटा, देख के बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, कुछ नहीं करना. आपको पहले जो होल नंबर्स हैं, जो आपको होल नंबर्स गिवन है, आप उनको सिर्फ ऐड कर दीजिए. आपको सिर्फ उनको ऐड करना है. 100 प्लस 40, 140 प्लस 2, 142. मैंने लिख दिया 142. अब देखो, 2 के बाद मेरा जो ये वाला फ्रैक्शन है, यहाँ से मेरा डेसिमल पॉइंट स्टार्ट हो रहा है. दैट मीन्स मुझे 142 के बाद पॉइंट पुट करना पड़ेगा. अब 1 मेरा कौन से प्लेस पर है, 100th प्लेस पर. दैट मीन्स मेरा पॉइंट के बाद क्या नंबर लगेंगे, 0 एंड 1. तो मेरा डेसिमल क्या बना है, 142.01. तो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस. अब ये समझाने से पहले मैं आपकी एक्सरसाइज 9.3 जो है वो स्टार्ट करवा देती हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने आपको समझाया है उसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन 1 है. ठीक है, आप क्वेश्चन 1 देख सकते हैं. राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स, आपको क्वेश्चंस गिवन है और आपको उनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है. तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, एक बार बेटा मैं इजी बोर्ड पे ये क्वेश्चंस लिख लेती हूँ. आपको लिखना है एक्सरसाइज 9.3 डे एंड डेट. ओके, उसके बाद क्वेश्चन 1 का ए पार्ट विच इज 600 प्लस, एक सेकेंड बेटा, 40 प्लस 4 प्लस 2/10 प्लस 1 प्लस 100. अब आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो अब यहाँ पे समझिए आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में कैसे सॉल्व करेंगे. आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर 600 इज इक्वल टू 40 प्लस 4 को ऐड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 44 प्लस 2/10 प्लस 1/100. आप एज इट इज रखेंगे. ठीक है, उसके बाद 600 प्लस 44 क्या हो जाएगा, 644, और प्लस में क्या है, 2/10 प्लस 1/100. अब आप इसको या तो एज इट इज लिखिए, या आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको क्या बताया था, एडिशन. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो इनकी एडिशन नहीं हो सकती, तो आप इनको एज इट इज ही रखेंगे. अब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 644 आपका एज इट इज, प्लस की जगह आपका लग जाएगा पॉइंट. क्यों? क्योंकि 2/10 और 1/100 आपका क्या है, डेसिमल पार्ट स्टार्ट हो गया है. तो 2 टेंथ प्लेस पर है तो 2 टेंथ प्लेस पर पुट कर दिया मैंने, और 100th प्लेस पर है, तो यानी कि मेरा जो फाइनल डेसिमल बना है वो है 644.21. ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया है, जो मेरी ये वाली टर्म्स हैं इनको ऐड कर दिया है, और
ये जो पीछे वाली टर्म्स हैं इनको एज इट इज़ रखा है, और जिस तरीके से मैंने आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना बताया था बिल्कुल वैसे ही आपने इनको कन्वर्ट कर दिया है। अब बुक की तरफ चलते हैं। बुक में आपका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, आपका पार्ट डी जो कि है 400 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 1/100। आप लिखेंगे डी पार्ट, फोर हंड्रेड प्लस 20 प्लस 6 प्लस 1/100। दैट मीन्स आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी एडिशन करनी है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इनकी एडिशन कर लीजिए आप रफ साइड पे, एडिशन क्या होगी इनकी 426 प्लस में क्या लिखना है 1/100। दैट मीन्स 426 प्लस की जगह क्या लग जाएगा पॉइंट, और वन कौन सी प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, तो 100 प्लेस पर वन रखते हैं, और इससे पहले हमें क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो। यानी कि डी पार्ट के लिए आपका फ्रैक्शन है 426.01। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू समझने से पहले अब हमें टॉपिक करना पड़ेगा हमारा कौन सा, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। अब अगर हमें डेसिमल पार्ट गिवन है, सॉरी फ्रैक्शन पार्ट गिवन है, तो हम उसको डेसिमल पार्ट गिवन है तो हम उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वी हैव लर्नड हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू डेसिमल, नाउ लेट अस लर्न हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। ये बेटा आपका बिल्कुल ईजी है, इसमें आपको बिल्कुल झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या देखना है, आपका डेसिमल पार्ट देखना है, होल नंबर देखना है, और उसके बाद पॉइंट के बाद में आपके कितने डिजिट्स हैं वो देखना है, दैट्स इट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ये क्वेश्चन गिवन है 5.3, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हुआ है 5 3/10। अब ये कैसे किया है, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको गिवन है 5.3, दैट मीन्स 5 क्या है आपका, होल नंबर है, और मिक्स फ्रैक्शन के लिए होल नंबर आप पहले लिखते हो, उसके बाद में आप देखते हो 3। अब 3 कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, यानी कि हम इसका जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो क्या होगा, 3/10। बस एज सिंपल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, जो इसी में आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5.03। अगेन मुझे क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए पहले मेरा होल पार्ट देख लेती हूँ, पॉइंट के बाद मेरा ये वाला साइन। अब मैं देखती हूँ कि मेरा जो 3 है वो कौन से प्लेस पर है, 100th प्लेस पर, दैट मीन्स 3 जो है वो मेरा न्यूमरेटर होगा, और 100 क्या हो जाएगा, मेरा डिनोमिनेटर। क्यों, क्योंकि 3 जो है वो 100th प्लेस पर है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए आपको गिवन है 5.003। अब आपका देखो होल पार्ट इन्होंने 5 लिख दिया, और 3 जो है वो आपका क्या है, न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर क्या होगा, काउंट कर लेते हैं कौन से प्लेस पर है, 10th 100th एंड 1000th। तो 3 के नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका, 1000। तो बेटा आपको सिंपली इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि आपको क्या डेसिमल्स गिवन हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ होल नंबर देखना है पहले, और उसके बाद में पॉइंट के बाद में आपका गिवन नंबर जो है वो कौन से प्लेस पर है, और उसी के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद देखिए एग्जांपल वन, एग्जांपल में तो आपका और भी इजी दिया हुआ है, सिर्फ क्या क्या करना है आपको, आपको दिया हुआ है राइट 0.815 एज फ्रैक्शन। ये तो आपका और भी इजी है, जैसे कि आपने लिखा 0.815,
अब आप इसको सिर्फ ऐसे याद कर लो कि ये जहाँ पे मेरा पॉइंट है ना, ये पॉइंट को अगर मैं कट कर देती हूँ, इस पॉइंट को हटा देती हूँ, तो पॉइंट की जगह मुझे पुट करना है 1, और जितनी मेरी डिजिट्स हैं उतनी मुझे जीरोस लगानी है। दैट्स इट, बन गया आपका फ्रैक्शन। क्या बना है? 815/1000। एग्जाम्पल देती हूँ आपको इसके इजी बोर्ड पे, आपको उससे समझ आ जाएगा और अच्छे से। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 0.27 और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। आपको सिर्फ क्या करना है, जो ये पॉइंट है इसकी, इसको कट कर देना है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रही हूँ, और इसकी जगह पे आपको पुट करना है 1। उसके बाद ऊपर कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स, यानी कि नीचे भी 2 डिजिट्स लग जाएंगी। तो आपका फ्रैक्शन क्या हुआ? 27/100। एक और एग्जांपल करके दिखा देती हूँ आपको। मान लीजिए मैं आपको दे देती हूँ, अब यहाँ पे देखो 0 था, अब मैं यहाँ दे रही हूँ होल नंबर, ठीक है। तो क्या होगा, 4.39 दे दिया मैंने आपको, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? 439 तो बेटा आपका एज इट इज हो जाएगा, और इस पॉइंट की जगह पे, पॉइंट 4 और 3 के बीच में था ना, तो इसकी जगह पे 1, और इसके पीछे कितने डिजिट्स हैं? 2, तो 2 जीरोस। 4 के लिए कुछ नहीं, 4 आपका होल नंबर है, वो आपका एज इट इज रहेगा। और एग्जांपल देख लीजिए आपको, मान लीजिए मैं दे देती हूँ 56.59, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। अगेन आप क्या करोगे, इक्वल का निशान लगाओगे, 56 एंड 59 लिखोगे आप, यहाँ पे आप इसको रीड करोगे 5659। अब 59 कौन से प्लेस पर है मेरे, या फिर ये 9 मेरे कौन से प्लेस पर है? 100th प्लेस पर है ना, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा? 100। या ये मैं पॉइंट हटाती हूँ तो पॉइंट की जगह पे 1 और 2 डिजिट्स हैं, तो 2 जीरोस। दैट्स, ये है आपका कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में देखो, बिल्कुल आपको एज इट इज गिवन है। ए पार्ट क्या है आपका? 0.75। तो आप इसके सामने इक्वल का निशान पुट करेंगे, ये आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है, और क्या करेंगे, 75 एज इट इज़, और पॉइंट हमने हटा दिया तो इसकी जगह पे 1, और 75 में कितने डिजिट्स है? 2, तो 2 जीरोस। दैट मीन्स फ्रैक्शन क्या हुआ मेरा? 75/100। दूसरा क्या है मेरा? 4.5, मैं ऊपर लिखूंगी 45, और 5 मेरा कौन से प्लेस पर है? 10th प्लेस पर, तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। सी देखिए, इक्वल का साइन पुट करेंगे, 687, 87 कौन से प्लेस पर है? 100 प्लेस पर, तो नीचे 100 पुट कर देंगे। अब डी पार्ट आप इसका खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर एक्सरसाइज 9.3, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, आपका एक तो है चैलेंज, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। चैलेंज क्या है? राइट द डेसिमल नंबर फॉर ईच ऑफ द लेटर। आपको लेटर्स गिवन हैं, ठीक है, और उस लेटर के अकॉर्डिंग आपको इनके पॉइंट्स लिखने हैं, और ये पॉइंट्स हैं आपके 0, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो आपको ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद है आपकी लेट्स प्रैक्टिस। लेट्स प्रैक्टिस बेटा, आपको मैंने लास्ट चैप्टर में भी बोला था कि लेट्स प्रैक्टिस आपकी वो कॉर्नर होता है किसी भी चैप्टर का, जहाँ से आपको पता चलता है कि आपने कितना सीखा है इस चैप्टर से। तो लेट्स प्रैक्टिस आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपके 5 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद मैथलैब एक्टिविटी है, जो आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर चैप्टर 9। यहाँ पे आपका चैप्टर 9 ख़त्म होता है, और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 10। सो कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक